नज़दीक से देखो, बच्चे पूरे आराम से मस्त होके बैठे हुए हैं, फुल बच्चे आराम से मस्त होके बैठे। बच्चे ऑलमोस्ट हो गए 55 डेज के, और अब ये अडॉप्शन के लिए, और इतने कॉम्पैक्ट साइज की लासेप्सो, इतने छोटा सा साइज लासेप्सो को नहीं होता है। हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जेन्युइन अडॉप्शन करने के लिए चाहता है, कि इसे अडॉप्ट करना चाहता है, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं जितेंद्र परिवार सामर्जा पेट शॉप से आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लासा एप्सो। लासा एप्सो बच्चे कितने क्यूट हैं, कितने हेल्दी हैं, और गोलू मोलू बच्चे, हेल्दी एज के बच्चे हैं, और बड़ा यूनिक कलर है बच्चों के अंदर। देखिए ये बच्चे के अंदर आया ट्राई कलर, प्रॉपर ब्लैक है, नीचे थोड़ी वाइट है, और थोड़ा सा इसके टैन कलर भी है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, फुल्ली कोटेड है, फुल्ली शाइनिंग पपी है। अभी मैं आपको इनकी मदर भी दिखाऊंगा, मदर भी मेरे पास में ही है। बस थोड़ी सी एग्रेसिव हो रखी है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि टॉय ब्रीड होती है, और बच्चों से थोड़ा सा कोई हाथ में लगाए तो इसके कारण वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। तो देख लूँगा, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है, कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही पोलाइटली नेचर के हैं बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। बस हमारा एक ही मकसद, जो भी बच्चा अडॉप्ट करे वो इकोनॉमिकल प्राइस हो, उसका कोई इशू नहीं है, प्राइस का इतना बड़ा लोड नहीं है, पर अच्छी फैमिली में चले जाए बच्चा, जो इसका खर्चा उठा सके, जो उसकी केयर कर सके, और इनके साथ खेल सके, लविंग होम चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये कोई अडॉप्शन के लिए नहीं है, ये पेड अडॉप्शन है, कि बेसिकली कोई भी इसे बच्चा अडॉप्ट करेगा तो वो पेमेंट करके ही अडॉप्ट होगा, पेड अडॉप्शन नहीं है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो पपीज़ है ये मैंने ही मेरे क्लाइंट को दिए थे, और इनके बेबीज़ हुए हैं, तो बेबीज़ हुए हैं तो इन्होंने केयर की रात दिन लगे, और बच्चों को बहुत ही अच्छी केयर करने के बाद बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा करा। तो ये वीडियो जो है ना पेड अडॉप्शन के लिए, नॉट ए फ्री। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है कि फ्री अडॉप्शन चाहिए, फ्री अडॉप्शन, कैसे फ्री अडॉप्शन हो सकता है सर। देखिए ना, केयर होती है बच्चे की, रात दिन जगते हैं, इतने क्यूट क्यूट पपीज़ कैसे फ्री अडॉप्शन में देंगे। और देखिए बच्चे कितने ही पोलाइटली नेचर के हैं, कि आराम से, कोई हाइपर एक्टिव नहीं है। नज़दीक से दिखाओ भैया एक बार, आप कितने ही नज़दीक से देखो, बच्चे पूरे आराम से मस्त होकर बैठे हुए हैं, फुल बच्चे आराम से मस्त होकर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, बच्चों की क्वालिटी में कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़। कोट बहुत अच्छा है, देखिए कोट भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, कलर कोट बहुत ही खूबसूरत है, फेस वगैरह बहुत अच्छा है, और बहुत ही हेल्दी बच्चे हैं। बच्चे ऑलमोस्ट हो गए 55 डेज़ के, और अब ये अडॉप्शन के लिए बेसिकली तैयार है। आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, पर पेड अडॉप्शन, नॉट ए फ्री अडॉप्शन। जैसे कि लोग बोलते हैं भैया आप अडॉप्शन बोलते हैं, तो भैया मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसकी मदर को भी बुला लिया, ऐना नाम है इसका, और ऐना के कितने ही खूबसूरत बच्चे हैं, चार बच्चे हुए हैं इसके, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, और नेचर देख रहे हो कितना पोलाइट लिया, कितने खूबसूरत क्वालिटी के बच्चे हैं, मतलब गोलू मोलू पपीज़ हैं, गोलू मोलू ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बच्चे हैं, गोल मटोल ताज़ा ताज़ा, मस्त होके बैठे हुए, और बहुत ही देखो कितने पोलाइटली नेचर के बच्चे हैं, और मदर भी देखो मेरे हाथ में है, और कुछ नहीं कह रही मेरे को, मैं भी शायद इससे सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, और देखिए कुछ भी नहीं कह रही। इसे ही कहते हैं 100% प्योर ब्रीड लासा एप्सो, क्वालिटी के अंदर 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और केयर टेकिंग के अंदर 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे 50 डेज के हो गए हैं, और सबको एक वैक्सीनेशन डन हो गया है। तो और बहुत यूनिक कलर है, देखो तीन तो मदर पे गए हैं, और एक अपने फादर पे गया है। और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जेन्युइन अडॉप्शन करने के लिए चाहता है, कि इसे अडॉप्ट करना चाहता है, पेड अडॉप्शन, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मैं आपको दे दूंगा नीचे, तो बेसिकली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बच्चा ऑल ओवर इंडिया डिलीवर भी कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। बट ये है कि क्वालिटी में 1% कॉम्प्रोमाइज़ देते, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं ख़राब करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पपीज़ बहुत ही खूबसूरत है।